इंट्रोगेशन के मिसलेनियस को करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कल कर लिया था, और सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंट्रोगेशन करना आपको है किसका, वन बटे में अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस वन बटे में वही है मतलब एक्स प्लस बी, और यहां पर है बच्चे लोग डीएक्स, और इसका कर दो आप लोग इंट्रोगेशन। बताओ इसका इंट्रोगेशन कौन कौन कर सकता है और कैसे करोगे, चलो वेरी गुड, इसको बस रेशनलाइज कर दोगे बन जाएगा तुम लोगों का क्वेश्चन। बच्चे लोग रेशनलाइज करो तो बताओ, तो रेशनलाइज करने में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो वेरी गुड, यहां पर सिर्फ माइनस करना है बस, चलिए अब बताओ तो ऊपर में क्या बचेगा, चलो वेरी गुड, और नीचे में आपके पास देखो तो एक फॉर्मा पर आ गया कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मा बच्चे लोग, ए स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो गया, एक्स प्लस ए बचेगा, और बी स्क्वायर करोगे तो इसका रूट खत्म तो माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, यानी कि माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा, और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बाहर निकाल सकते हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट है कि नहीं, इसको बाहर निकाल जा सकता है, बाहर निकालो, क्या बचेगा, एक्स प्लस ए के पावर वन बाई टू लिख सकते हैं बोलो, और एक्स प्लस बी के पावर वन बाई टू, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये पावर वाला है वन बाई टू है तो चलो वेरी गुड, इस पावर में वन ऐड करोगे इंटीग्रेशन निकालते समय तो थ्री बाई टू हो जाएगा, और यहां पे टू बाई थ्री, यहां पर इंटीग्रेशन करोगे पावर वन ऐड करोगे तो एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, और यहां पर टू बाई थ्री, और लास्ट में क्या होगा सी। आगे सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन, तुमको समझ में आया प्रिया, ओके और अंजलि तुमको, चलो तब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे मिटा रहे हैं, देखो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनेगा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इज द वीवीआई क्वेश्चन, देखो ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, और इंटीग्रेशन क्या है, वन बटे में एक्स, और अंडर रूट में क्या है एक्स है, और माइनस में एक्स स्क्वायर है, और यहां पर डीएक्स भी है, चलो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, समझने वाली बात है, किसको निकाल देंगे, देखो बच्चे लोग इसके इंटीग्रेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आप इस इंटीग्रेशन के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कहोगे एक स्क्वायर तो कॉमन है ही नहीं इसमें, तो जबरदस्ती लीजिए नहीं है तो, हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए बचेगा, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक्स ही था, आपने एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप बटे में एक्स लिख दो, देखो तो इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो एक्स एक्स एक तो कट जाएगा, फिर एक्स आया कि नहीं होगा, अब एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल दिया तो यहां पर तो सिर्फ वन बचेगा ना, ये वाला सबको समझ में आ गया स्टेप, बोलो बच्चे लोग, चलिए अब एक चीज बताओ, यहां से रूट में एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, और एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या बचा सिर्फ ए बटे में एक्स माइनस वन बचा, अब देखो इसका अगला स्टेप आप यहां से लेट कर लीजिए, क्या रूट के अंदर जो है इसको मान लो वाई, मान लिए
अब एक चीज बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो खैर कॉन्स्टेंट है, वन बाई इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना मिलता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है नहीं तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, और डीवाई बाई डीएक्स, बताओ डीएक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएक्स का मान निकालोगे तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ऊपर ए आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा माइनस में, यानी कि हमको डीएक्स का अगर मान पुट करना होगा तो इतना रखना होगा। चलो ये मान हम लोग इटरेगेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, देखो कितना होगा, तो वन बटे में लिखो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बोलिए यहां पे, हाँ बोलिए, हाँ नहीं ये मल्टीप्लाई है, ये यहां देखो तो हाँ एक कॉन्स्टेंट है, एक को हम बाहर निकाल दिए हैं, देखो बच्चे लोग नहीं इसको वाई माने या नहीं थी, ब्रैकेट में तो वाई हो गया, चलो ऊपर में तुम्हारा कितना था डीएक्स, अब इस डीएक्स के बदले में कितना पुट कर सकते, इतना मान पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए इंटू डीवाई, क्या लगता है बच्चे लोग एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं, अब यहां से माइनस वन बाई ये बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर वन बटे में रूट वाई है, ये ऊपर जाएगा तो वाई की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा डीवाई, यहां तक समझ में आ गया सबको, देख लो पहले अच्छे से, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वन बाई ये बाहर निकल गया, ये बचा रूट वाई, वाई रूट वाई का मतलब होता है वाई की पावर वन बाई टू, और ये ऊपर जाएगा तो वाई की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो तो इतना लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा कौन बताएगा, हाँ ये माइनस वन बाई टू में वन ऐड करेंगे तो वाई की पावर वन बाई टू हो गया, वेरी गुड, और ये वन बाई टू नीचे भी आएगा तो टू बाई वन बाहर निकलेगा, यानी कि माइनस टू बाई ए, वाई किसको माने थे हम लोग, यहां देखो तो ए बटे में एक्स माइनस वन प्लस सी, ये रूट का मतलब मैं यहां पे रूट लगा दिया, मैं वन बाई टू का मतलब रूट होता है, समझ में आएंगे बच्चे लोग यहां तक, ठीक है, और प्रज्ञा तुमको समझ में आया, चलो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलो क्वेश्चन नंबर फोर को करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फोर को कैसे बनाएंगे, हमारा जो फोर क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि वन बटे में एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर फोर प्लस वन का होल पावर थ्री बाई फोर, शायद ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया हुआ है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोग अपलोडेड, देखो बताओ तो हम बताए थे इस क्वेश्चन में, यहां देखो ये ब्रैकेट में पावर है फ्रैक्शन में, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स के पावर फोर कॉमन लेना होगा, एक्स के पावर हाँ यहां पर जितना फ्रैक्शन में नीचे रहेगा उतना ही आपको कॉमन लेना है, तो एक चीज बताओ एक्स के पावर फोर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर तो वन बचेगा, और तो वन बटे हाँ, और यहां पर थ्री बाई फोर, अब चलो इसके आगे बताओ क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर, अब चलिए बताइए ये जो पावर थ्री बाई फोर है वो इस पर भी हो रही है, पावर इस पर भी होगा, इस पर जब पावर को डालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से ये एक्स के पावर फोर है और पावर थ्री बाई फोर डालोगे, अब वन प्लस एक्स के पावर फोर है इसके पावर पे कितना डाल देंगे थ्री बाई फोर डीएक्स, अब एक चीज देखो ध्यान से ये पावर फोर है ये, हाँ ये थ्री बाई फोर है, ये फोर फोर कट जाएगा तो एक्स के पावर थ्री हो जाएगा, और x के पावर थ्री यहां पर मिलेगा क्योंकि ये फोर फोर कट गया तो, और x के पावर टू तो कुल मिला के x के पावर फाइव हो गया,
अब बताओ तो इसमें किसको लेट कर ले भाई, जो फ्रैक्शन वाला पावर है, वन प्लस अब कुछ नहीं करना है बच्चे लोग, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना ये कट जाएगा और ये y के पावर 3/4 आ जाएगा, ये तुम लोग सब बन जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया जीरो, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस फोर और x के पावर माइनस फोर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस फोर x के पावर माइनस फाइव हो जाएगा, क्योंकि पावर एक निकल जाएगा और एक पावर कम करोगे तो माइनस फोर में से एक और कम करोगे तो माइनस फाइव हो जाएगा और ये हो जाएगा डीवाई बाई डीएक्स। तो डीएक्स की वैल्यू निकाल दो, डीएक्स की वैल्यू जब निकालोगे इसको थोड़ा हम ढंग से लिखे, अगर x के पावर माइनस फाइव है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, डीएक्स इक्वल टू डीवाई। समझ में आया यहां पर क्या किया बच्चे लोग, यहां पर जो पावर निगेटिव था उसको हम बटे में कर दिए और डीएक्स को यहां भेज दिए। अगर आपको डीएक्स का मान अगर निकालना है यहां से तो एक्स के पावर फाइव बटे में माइनस फोर लिख सकते हो। चलो तो वैल्यू पुट करो यहां पर और कितना होगा बताओ, डीएक्स का मान पहले पुट कर लेते हैं, डीएक्स का मान निकालोगे तो डीवाई बटे में, देखो तो डीवाई होगा ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, यानी डीएक्स का जब मान निकलेगा तो एक्स के पावर फाइव यहां पे हो जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, देखो नीचे कितना हो जाएगा, देखो बच्चे लोग x के पावर 5 नीचे आ जाएगा आपका माइनस फोर और आपने इसको पूरे को माना था y और ये y के पावर 3/4 हो जाएगा और ऑलरेडी यहां पर x के पावर 5 था तो आप x के पावर 5 यहां लिख दीजिए। अब देखो सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, x के पावर 5 तो यहीं से कट जाएगा, अब माइनस 1/4 बाहर निकाल दोगे ये ऊपर चला जाएगा तो y के पावर माइनस 3/4 हो जाएगा डीवाई। अब तो सिंपल सा इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, पावर वन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, देखो y की पावर 1/4 हो गया, ये भी 1/4 होगा तो 4/1 बाहर निकलेगा, कट गया माइनस y किसको माने थे हम लोग, 1 प्लस प्लस सी, चलो हो गया आंसर हमारा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, ये सब पाओगे नोट कर लिए, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा जल्दी नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है मिस लेनी इसके अंदर। देखो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, 1 बटे में x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3 डीएक्स। देखो इसके इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे, इसको पहले समझो ध्यान से, इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, 2 और 3 कैल्सियम कितना होता है 6, तो एक्स इक्वल टू मान लो वाई की पावर 6 मान लीजिए और यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डीएक्स बाई डीवाई और ये 6y के पावर 5 हो जाएगा, तो डीएक्स की जगह पर पुट करोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 6y के पावर 5 डीवाई। ठीक है, अब इसके आगे बता रहे हैं, देखो इसके बाद क्या करेंगे, डीएक्स की जगह पर पुट कर दो ये वैल्यू, एक्स की जगह पर रखना वाई के पावर 6, तो यहां पर लिख दो वाई के पावर 6 के पावर 1/2 वाई के पावर 6 के पावर 1/3। अब एक चीज बताओ,
क्या ये पावर कट नहीं जाएगा? कट जाएगा तो वाई की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये इससे कटाओगे तो वाई की पावर 2 बचेगा। अब बताओ नीचे से कितना हार्डली कॉमन ले सकते हो? वाई स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है तो वाई प्लस 1 बचेगा। अब देखो वाई स्क्वायर यहीं से काट दो तो ऊपर में कितना बचेगा? चलो 2 कट गया तो 3 बचा ना, ऊपर में 5 था, 2 कैंसिल हो गया तो वाई की पावर 3 ही ना होगा। अच्छा 3 बोली, अच्छा ठीक। तो अब देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? y की पावर 3 बटे में y प्लस 1। देखो तो ये तो लग रहा है कि इम्प्रोपर वाला केसेस है, ऊपर का डिग्री बड़ा है नीचे का डिग्री कम है। तो अब इसको डिवाइड डिवाइड करके जो आएगा हमारा आंसर बन जाएगा यहां से। तो पहले यहां तक नोट कर लिए सब लोग? अच्छा इसको तोड़ देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब पे। एक काम करते देखो बच्चे लोग, यहीं पर हम 1 ऐड कर दे रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, इससे इंटीग्रेशन हमारा और जल्दी बन जाएगा। 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो ऊपर मिटा रहे हैं, यहां देखो तो ये वाई क्यू प्लस 1 को मैं इंटीग्रेशन में कर दे रहे हैं और डीवाई और इसको हम अलग इंटीग्रेशन में कर दे। देखो 6 बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा 6 का, 1 बटे में y प्लस 1 डीवाई। चलो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला किसको याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए बी, बी स्क्वायर, इतना ही होता है। देखो अब सबका फॉर्मूला हो गया, ये इससे कट गया। बताओ तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखोगे? y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? y के पावर 3 बाई 3, y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y के पावर 2 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? y लिखते हैं, 1 बाई y का क्या लिखते हैं? log mod y प्लस 1। चलो हो गया खत्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया। y की वैल्यू बच्चे लोग पुट कर दो, y किसको माने थे? y किसको लिख के थे? देखो ध्यान से, हम लोग माने थे कि y इज इक्वल टू, एक मिनट, x इक्वल टू x के पावर, सॉरी y के पावर 6 माने थे। तो हमें y की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? तो यहां देखो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ना दोनों तरफ x के पावर 1 बाई 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 सही है, 1 बाई 6 करोगे तभी तो कट के ये 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा x के पावर 1 बाई 6। तो जहां जहां यहां y है लिख दो, कितना लिखना है? तो x के पावर 1 बाई 6, 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 क्या नहीं, x इक्वल टू y के पावर 6 माने थे। तो y की वैल्यू निकालोगे तो इस पावर को हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो हटाने के लिए 1 बाई 6 तो करना ही पड़ेगा दोनों तरफ। यहां तक हो गया सबका? दोनों मोबाइल डिस्चार्ज हो गया पूरा। चलो तो देख लो यहां पर 6 नंबर आपको मिल भी जाएगा, जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मेरे पास स्पेशल वीडियो में अवेलेबल है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है तो हम इसको नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा YouTube पे, और YouTube पे क्या आपकी कॉपी में तो मिल जाएगा। यहां देखिए और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया, मेरे पास तो 7वां सेम लिखा हुआ है। देखो तो 7वां क्या है क्वेश्चन आपके बुक में?
बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही किसी के लिए? ऊपर कितना है? ऊपर ऊपर में साइन एक्स, नीचे में बोलो। ये क्वेश्चन में तो बताओ तुम लोग बनाया है ना, ये क्वेश्चन भी हमारे पास मिल जाएगा, अवेलेबल है, आप लोग देख लो यूट्यूब पे, वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी आपको। एक मिनट के आपको हम दिखाई दे रहे सर। चलो बच्चे लोग एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों तो हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे। e के पावर कितना है? 5 log x है, माइनस e के पावर कितना है? 4 log x है। e के पावर और e के पावर 2 log x dx। देखो बच्चे लोग इसके इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है, देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले बात याद रखना कि कहीं भी अगर e के पावर अगर log x रहता है तो उसकी वैल्यू x हो जाती है, और हमें पता है कि log n log m का फॉर्मूला होता है log m के पावर n, तो इसको हम पावर में भेज सकते हैं। ये करना पड़ेगा ना तुम लोग, log अगर m के पावर n रहेगा तो इसको n log m लिखा जा सकता है। तो अगर ये चीजें लिखी गई है n log m, तो इसको मित्र में तो लिख सकते हैं ना, इसको पावर में भेज के यहां लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान से समझना, और e के पावर अगर कभी भी log x होता है इसका मान x होता है, e के पावर अगर log x आएगा तो इसका वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर e के पावर में log, इसको पावर में अगर हम भेज दें तो e के पावर log हो जाएगा, log x के पावर, सॉरी log x के पावर 5 होगा, तो यहां से x के पावर 5 को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि log के बगल में जो भी रहता है वो क्या होता है, वो बाहर निकलेगा यहां से, एक्सपोनेंशियल है, दोनों मैच करता है, तो यहां से चीजों को बाहर निकालते हैं। तो चलो चेक करें, बताओ यहां से कितना मिलेगा, x के पावर 5 आएगा, इसको कितना लिखोगे, x के पावर पहले 4 लिखोगे और e के पावर log x का मान क्यों x होता है, तो x पे x के पावर 4 बाहर निकलेगा, यहां पर तुम्हारा x क्यूब हो जाएगा बच्चे लोग, और यहां x के पावर 2 हो जाएगा। यहां देख सबको समझ में आ गया, देखो अब हम इसमें से फॉर्मूला, फॉर्मूला e के पावर log x का मान x होता है, तो log x नहीं है, कितना यहां पे है, x के पावर 5 नहीं, यहां पर 5 को यहां भेज सकते हैं कि नहीं, बोलो, ये n log m लिखा हुआ है तो n के पावर में कह सकते हैं, तो ये तो चीजें अभी यहां पे चला गया है, तो e के पावर log x का मान x होता है, तो e के पावर log x के पावर 5 है तो मान तो सिर्फ ये वाला बाहर निकलता है। इसी तरीके से इसको यहां भेज के यहां बाहर निकाल दिए, इसको यहां भेज के इसको बाहर निकाल दिए, अब बताओ ऊपर में कितना कॉमन ले सकते हैं, x के पावर 4 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और नीचे में कितना कॉमन है, x स्क्वायर, x माइनस 1 ये कट गया और 2 ऊपर से भी कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे, x के पावर 3 बटे में 3 प्लस c, हो गया बच्चे लोग।